क्षतिपूरण आकलन करी भूली गले राज्य सरकार। दुर्दशारे राज्यर द्वितीय बृहत्तम नदी बंधर विस्थापित। रेंगाली प्रकल्प वासुच्युतंक विकल चित्र नहीं धर्मेन्द्रंक चिठी। तुरंत समाधान पाई मुख्यमंत्री को पत्र लिखिले केन्द्रमंत्री। 80 दशक ब्राह्मणी नदी उपर निर्मित ओडिशार द्वितीय बृहत्तम नदी बंध ओडिशार विकास रे बड़ भागीदारी बनिपारी। बहु चाष जमी जलसेचित होठार उत्पादित विद्युत शक्ति अनेक गाँ सहर को आलोकित करी। किंतु जो मानक त्याग बल रे ए प्रकल्प संभव होइथिला सेमानक जीवन आज अंधकार रे। 4 दशंधि धरी संघर्ष करुछंती रेंगाली ड्याम जोगु विस्थापित परिवार। वासुचितंक दुर्दशार ए विकल चित्र मर्माहत करिछि केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को। मुख्यमंत्री को चिठी लिखि एमानंकर समस्यार समाधान पाई आंतरिकतार सह पदक्षेप नेबाकु अनुरोध करिछंती केन्द्रमंत्री। आउ सेपटे विस्थापित कहते केन्द्रमंत्री चिठी में प्रतिफलित होमानक कह या मंत्री बहुत भल पदक्षेप स्वागत जोग्य पदक्षेप आमर आमर गोटे भी दाबी मंत्री को आम भी बहुत जो पत्र लिखिले एम अंचलवासी बहुत खुशी व्यक्त कले। एवं प्रश्न उठू आंतरिकता देखा कथा मुख्यमंत्री को कहीं चिठी लिखिले केन्द्रमंत्री। कारण 2010 रे मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे रेंगाली प्रकल्प विस्थापित को क्षतिपूरण बाबद प्राय 152 कोटी टंकार आकलन करा हेले 13 वर्ष पर भी केवल आकलन ही सीमित रहीगला नवीन का निर्देश। आज भी अकथनीय दुर्दशा दे गति कर 236 गाँव प्राय 13,000 वासुच्युत परिवार। मिनिमम 20-25 खंड गाँ से विस्थापित है किंतु वर्तमान 75% जमी पटा पाँगना हरियाणा हरकत हो बहुत कजर्ज अवस्था भी अच्छा। मैडम कलेक्टर तहसीलदार विडीओ को आपत्ति कले कौन कर्णगोचर करना प्रजुज्य अर्थ पाइले किंवा जगह बाड़ी थैतान व्यवसाय किसी समाधान भी सरकार किसी कले ना जहाँफल आज लोक मैंने बारंबार कंप्लेन देलापर भी सरकार ता प्रति किसी व्यवस्था करूना। रेंगाली बुड़ी अंचल जो मैंने से मैंने आज रास्त भिकारी खाया को पाना तेणु सरकार को यहाँ निजर कर्णपात कर सरकार जो बर्तमान बहुमुखी कार्यक्रम अच्छे ताकि रेंगाली बुड़ी अंचल क्षतिग्रस्त प्रजा को निश्चित रूप साहय कर मोर आत्मविश्वास। रेंगाली नदीबंध योजना द्वारा विस्थापित राज्य सरकार पूर्व घोषणा कर क्षतिपूरण और स्थायी पट्टा तुरंत प्रदान सह सेमानंक गाँव गुड़ी को राजस्व ग्रामर मान्यता देवाकु मुख्यमंत्री को पत्र रे अनुरोध करी केंद्रमंत्री। रेंगाली भाग्यरथी साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।